किसी की रिक्वेस्ट पर आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं मल्टी कलर वेडिंग कार्ड, ठीक है ना। और ये दो तरीके से डिजाइन किया जाता है, एक होता है प्रिंटेबल, एक होता है नॉन प्रिंटेबल। प्रिंटेबल में हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि वो कौन से साइज में हमें बनाना है और कैसे हमें प्रिंट करना है। तो मल्टी कलर वेडिंग कार्ड अक्सर जो है ना वो डिजिटल प्रिंट होता है, उसका साइज अमूमन होता है 12x18, यानी 12x18 इंच, या 13x19 इंच, यानी 13x19 का साइज होता है। जो भी बनाना हो हमें उसी के अंदर हम उसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं कि वेडिंग कार्ड हम कैसे बनाएं। तो अभी मैं फिलहाल नॉर्मली आपको बना के दिखाता हूँ जो रोजमर्रा काम में आने वाली डिजाइन होती है, जो अक्सर जो है काम में आती है। इस तरीके की मैं डिजाइन बना के दिखाता हूँ, अक्सर ये सब मार्केट में चलता है, ठीक है ना। और ये भी जान लीजिए, वेडिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास तरह तरह के क्लिप आर्ट होने चाहिए। क्लिप आर्ट जो है आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद वही डेकोरेट करके बना देते हैं, और सात प्रोसेस का मैटर अमूमन एक ही तरह का होता है, ठीक है ना। एक तरह का मैटर होता है और उसको आपके ऊपर डिपेंड है, उसको आप कैसे लेआउट कर रहे हैं, कैसे उसको डेकोरेट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और हाँ, दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि जो दूसरा कार्ड होता है वो डिजिटली होता है, मतलब जैसे सोशल मीडिया के लिए लोग बना लेते हैं। आजकल तो ये बड़ा आम हो गया है, लोग कहीं प्रिंट करवाते हैं, जहां पे 500 शादी कार्ड की जरूरत होती है लोग वहां पे 100-150 बनवा लेते हैं। बाकी कह देते हैं कि यार कौन इतनी दूर जाएगा इनविटेशन देने, मैं इसी से बना करके मैं सेंड कर दूंगा अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, यहीं से बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह से सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से लोग जो है क्या करते हैं, मुझसे बहुत से लोग आते हैं ना कि वो डिजिटली भी बनवाते हैं ऐसे। तो डिजिटल बनाने के लिए वो कोई भी साइज ले लीजिए, साइज उतना मैटर नहीं करता है, जैसे आपको फिट बैठे, जैसे आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ हम देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बना रखा है एक कार्ड, एकदम नॉर्मल सा कार्ड है, कोई बहुत खास मतलब बहुत क्रिएटिव डिजाइन भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, जो भी है बेहतरीन है। तो ये आपका हो गया है। तो सबसे पहला चीज मैं ये बता देता हूँ, इसका साइज, ये मैंने प्रिंटेबल बनाया है। प्रिंटेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 12x18 की शीट जो है डिजिटल प्रिंट होती है, तो उसमें मैंने क्या किया, 12x18 पे दो सेट कर दिया। तो आप इसका साइज देखेंगे, यहाँ पे मैंने ले रखा है 11.5, और दूसरी तरफ ले लिए 9.25। तो 9 × 2 = 18 करेंगे, तब भी आधा इंच जो है ऊपर नीचे मिला करके आधा इंच हमारा मार्जिन जा रहा है, वो हमारी कटिंग के लिए हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये बता दूं, ये जो है इनवेलप की डिजाइन है, इनवेलप की डिजाइन मैंने बिल्कुल सादा बनाया है। वो क्यों बनाया है, क्योंकि अगर इसको हम डिजिटल प्रिंट करवा लेंगे ना तो ये मसला फंसेगा आपको लिफाफे का, यानी इनवेलप वाला मामला फंसेगा। तो इनवेलप के लिए क्या करेंगे, तो इनवेलप जो है रेडीमेड आता है, वो आता है 6x9, ठीक है ना, ये बना हुआ इनवेलप आता है। तो 6x9 का इनवेलप लेकर के इसको आप डायरेक्ट ऐसे डिजिटल से प्रिंट करवा सकते हैं, यानी इनवेलप भी डिजिटल से प्रिंट हो जाता है, एकदम कलर्ड ऐसे ही बन के आएगा। देखिए मेरे पास रखा हुआ है, मैं भूल गया निकालने को, मेरे पास ड्रायर में रखा हुआ है, नहीं मैं अभी आपको दिखाता। तो इसलिए मैंने इसको सादा ही बनाया। और अगर नए सिरे से इसको इनवेलप भी बनाना हो, उसकी डाई कटिंग करवा के उसको पेस्ट करवाना हो, तो उसकी डिजाइनिंग हम अलग तरीके से करते हैं, और जो बना बनाया लिफाफा है उसकी डिजाइनिंग हमने ऐसे कर लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पेज साइज बनाने के बाद बीच से गाइडलाइन लगा दिया, और गाइडलाइन कैसे लगाया जाता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यही रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स इसी साइज का बन के इसी में फिट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको लाइट येलो कर दिया। लाइट येलो करने के बाद जी प्रेस करके थोड़ा सा यूं कर दिया, या इसको यूं कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। या आप कोई और भी कलर कर सकते हैं, लेकिन शादी कार्ड वगैरह में येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये सब थोड़ा शुभ माना जाता है ना, तो इसलिए मैंने येलो ही रखा। खैर, तो अब मैंने क्या किया, आप यहाँ देखेंगे एक मैंने ग्रीन कलर की एक ऐसे बॉक्स सा बना दिया, पतला सा बॉक्स बना दिया। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसे यूं बना दीजिए ग्रीन कलर का, और इसकी आउटलाइन हटा दिया। अब इसकी चाहे तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, इसको इसके अंदर ना डाल करके इसको बाहर भी रहने दे सकते हैं, अगर ये बाहर जा रहा है तो बाहर भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही प्रिंट के लिए भेज देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें वैसे भी ब्लीड इसकी बढ़ानी पड़ती है, तो ऑलरेडी ब्लीड बढ़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग में ये ट्रिमिंग में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ी सी गैपिंग दे करके थोड़ा सा यूं
करके इसको हमने रेड कर दिया, ठीक है, रेड कर दिया। अब ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास एक आर्टवर्क था, आर्टवर्क, ठीक है ना, यही आर्टवर्क क्या किया मैंने यहां लाके रख दिया इसको। अब यहां पर हम जाएंगे अरेंज में, फिर ऑल्ट एफ सेवन भी कर सकते हैं, यहां क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ एक अप्लाई करेंगे, ये तैयार हो गया। अब एक बार और कर देते हैं, यहाँ हो गया, ठीक है। अब आप चाहें तो क्या करें, यहाँ जो इतना मार्जिन दिखा रहा है ये, इसको हम कट कर देते हैं, इसे ये यहां से इसको हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ एक बॉक्स बनाया, इसको बॉक्स को सेलेक्ट रखते हुए शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में यहां से मैंने ट्रिम कर दिया, ये कट गया, अब ये हो गया। अब इसमें देखते हैं एक ये डॉट डॉट बना हुआ है, एक सर्कल नुमा बना हुआ है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने क्या किया कि डायरेक्ट हमने एक छोटा सा इसे न्यू एक बॉक्स बना लिया, सॉरी एक सर्कल बनाया, सर्कल में चाहे आप इसे मैंने ग्रेडियंट दे रखा, चाहे आप ग्रेडियंट दीजिए ना दीजिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप अगर चाहें यही से इसे कॉपी करके, आपको मालूम है ग्रेडियंट कैसे दिया जाएगा, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको हमने यहाँ से नन कर दिया आउटलाइन, और एक जो है मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ देखेंगे एक यहाँ रख दिया, और दूसरा जो है रख दिया एक इस छोर के रख दिया, यानी दूसरे सिरे पर रख दिया। इसको मैंने कर दिया ब्लेंड, ब्लेंड कहाँ है ये, यहाँ से इसको क्लिक करके इसको ला के यहाँ मैंने ब्लेंड कर दिया। देखिए ये बहुत सारी कॉपी बन गई, इस कॉपी को और रिपीट कर दिए, यानी और ज्यादा कॉपी बना दी, यहाँ से देख रहे हैं ना ये 29 ऑब्जेक्ट, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जितना आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। ये बन के तैयार हो गया। अब यही सेम जो है आप इधर कर सकते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने डाउनलोड किया था, ये अभी अभी डाउनलोड किया मैंने, ये लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे आपके लैंग्वेज में, इसको क्या कहेंगे, ये फूलों का इसे सेहरा बना हुआ है, ये डेकोरेट करने के लिए, आपको पता होगा, आप जिस भी इलाके के रहने वाले होंगे आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं है ना। यहां से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां भी लगा दिया इसे, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा मस्त लगता है, खूबसूरत, मतलब जान आ जाती है डिजाइनिंग में। और ये जो है गणेश जी की फोटो है, ये भी मैंने नेट से ही लिया, और इसको यहाँ ला के लगा देते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, सारा मैटर बना बनाया है, और ये सारा मैटर आप पूछेंगे ये मैटर कहाँ से मिला, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, तो ये आप देख लीजिए कि ये मैटर बना बनाया था मेरे पास, तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया, और जो इसमें आप देखेंगे तो यहीं से मैं मैटर क्या करता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैटर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और ये भी आप देख लीजिए, ये भी एक क्लिप आर्ट है, ये भी नेट से लिया गया है। तो कहने का मतलब शादी कार्ड में ज्यादा से ज्यादा नेट से क्लिप आर्ट लेकर के उसको डेकोरेट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ से हमने कॉपी किया, क्या लिखा है, श्री गणेशाय नमः, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, फिर उसके बाद में इसे मदर का नाम, फादर का नाम, फिर अपनी सुपुत्री, लड़की है तो लड़की, नहीं तो लड़का है तो लड़के का नाम, सुपुत्र लिखेंगे, फिर एड्रेस हो गया उसका, फिर संग करके फिर दूसरी पार्टी का नाम, फिर लड़के का नाम लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, ठीक है ना। और ये इतना एक जुमला ये भी लिख दिया, जैसे ये बाराती लोग दुल्हन लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक क्लिप आर्ट है, थोड़ा सा स्पेस फिल करने के लिए और थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए सारी चीजें लगा दी जाती है, अच्छा लगता है, तो इसको लाके हम यहाँ लगा देते हैं। और हाँ, इधर आप देख लीजिए, यहाँ मैंने क्या किया, एक मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना, वैवाहिक कार्यक्रम, यहाँ पे लोग मांगलिक कार्यक्रम भी लिख देते हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ कलश लगा दिया। और ये जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना इसको, जैसे ये वाला बनाया था ये, वैसे सेम ऐसे इसको भी किया जाता है, कहाँ पे है ये भी मैंने वैसे ही बनाया, और एक दोनों तरफ जो है ऊपर से एक लाइन बना दिया, और बीच में लिख दिया डेट, ठीक है ना। डेट लिखने के बाद इसको भी हम अभी कॉपी करके लगाया देंगे, और इधर भी दोनों तरफ कलश लगा दिया, कलश देखिए कितना खूबसूरत है ना, मस्त लग रहा है। और हाँ, दूसरी चीज ये कि मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एलस्ट्रेट कर रखा है, इससे थोड़ा सा उसमें डिजाइनिंग में ना एकदम जान आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। तो इसको देखेंगे, लिखा हल्दी तेल, हल्दी तेल से रिलेटेड मैंने ये सब क्लिप आर्ट ढूंढा है, क्लिप आर्ट जो है नेट से निकाल करके ये सब मैंने लगाया, हल्दी तेल से रिलेटेड, ये देख रहे हैं ना हल्दी तेल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये डेट, अब देखिए ये पुरानी डेट लिखी हुई थी, मैंने इसी में चेंज किया, इसमें मैं भूल गया, फिलहाल ये आप जो अपने आप से चेंज कर लेना, जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना, डेट पे मत जाइए, वैसे भी इस डेट में कोई शादी नहीं है। तो ये बारात स्वागत, बारात स्वागत के लिए देखिए क्लिप आर्ट कैसे लगा दिया, एलस्टेट किया है मैंने। अब यहाँ पे लिखिए प्रीति भोज, प्रीति भोज के हिसाब से यहाँ पे खाने की एक थाली लगा दिया है ना।
फिर उसके बाद में लिखा है शुभ विवाह। शुभ विवाह, ये पंडित जी बैठे हैं विवाह कराने के लिए, और उसके हिसाब से यहाँ क्लिप आर्ट लगा दिया। और विदाई लिखा है, विदाई के लिए जो है यहाँ पे क्लिप आर्ट लगा दिया, यह डोली की क्लिप आर्ट लगा दिया। और यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही थी, और तो यहाँ पे इस तरीके के मैंने क्लिप आर्ट लगा दिया। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लगाइए या ना लगाइए, यहाँ पे कोई फूल पत्ती भी लगा सकते हैं, वो जगह बनने के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इतना आइडिया है आपके पास, आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें होंगी। और ये भी क्लिप आर्ट है, यहाँ पे इन लोगों को बैठा दिया गाते बजाते हुए, और यहाँ पे फिरा ले रहे हैं, ये शादी हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से ये बना दिया है ना। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया चीज है। इसमें मेन चीज क्या होता है, क्लिप आर्ट ढूंढना। क्लिप आर्ट आप ढूंढ लेंगे ना तो अपने यहाँ बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब बना लेंगे। और ये बैग में ना मैंने यही कलश जो है यहाँ पे, यही कलश इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे लगा दिया, 90% ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे लगा दिया। आप चाहे यहाँ पे और भी कोई इमेज लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंट करके, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया, कोई खास बात नहीं है इसमें, है ना। और अगर आप चाहें तो इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, या ना चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और हाँ, आपको बता चुका हूँ कि 6x9, ठीक है ना, 6x9 साइज का ये लिफाफा आता है, तो उसके हिसाब से मैंने वही साइज ले लिया, इसका आधा करके ले लिया, 6.5 x 9 ले लिया। फिर उसके भी अंदर मैंने एक बॉक्स बना करके उसके अंदर अंदर मैंने बना दिया, ये साइज क्या बन रहा है हमारा प्रिंटेबल साइज, ये 5x8 मान लीजिए, तो 6 के बजाय हमने 5 कर दिया। थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6.5 भी कर सकते हैं और 8.5 भी कर सकते हैं, तो फिलहाल इतना ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। आधा आधा इंच जो है चारों तरफ से मार्जिन रहेगा ना, तो अच्छा लगता है देखने में, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, ये ऊपर टॉप में मैंने लगा दिया गणेश जी की एक प्रतिमा लगा दिया, और यहाँ पर मैंने शुभ विवाह लिख दिया है ना, शुभ विवाह देख लिया, ये भी क्लिप आर्ट नेट से लिया गया है, ठीक है। और वही सेम डेट जो है यहाँ पे लाके लगा दिया। और ये मैंने क्या किया, ये भी एक क्लिप आर्ट है। आप कहेंगे यार क्लिप आर्ट ही क्लिप आर्ट है इसमें, हाँ होता है कुछ नहीं है इसमें, क्लिप आर्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें खास। और ये कुमारी ममता मतलब ये लड़की का नाम यहाँ पे लिख दिया, संग करके वही वहां से कॉपी करके यहाँ लाके लगा दिया, दूल्हे दुल्हन की फोटो यहाँ पे लगा दिया। और फिर उसके बाद में फिर ये भी क्लिप आर्ट, ये भी क्लिप आर्ट, ये भी क्लिप आर्ट, इसमें टोटल यही चीज होता है, आपको ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक मोर की फोटो लगा दिया, मोर की फोटो तरह तरह से नेट पे पड़ा हुआ है, एक से एक डिजाइन, एक से खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन में है ये मोर की फोटो, मैंने देखा है नेट पे, तो आप वो ला के लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिख दिया प्रतिष्ठा में श्री, यहाँ पे नाम लिखने के लिए, ठीक है। और ये जो जगह बची यहाँ पे लिख दिया कि ये दुल्हन की विदाई करके लेके जा रहा है भाई बंदा, इस तरीके से ये दोनों तरफ कलश लगा दिया। और ये क्लिप आर्ट, ये फूल वाली ये कॉर्नर डिजाइन की, ये भी नेट से ले करके ये दो दो तरफ लगाया, ये चारों तरफ नहीं लगाया, चारों तरफ लगाते तो उतना अच्छा ना लगता है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, और मैं इसी के ऊपर ना दो तीन वीडियो और बनाऊंगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं बना के दिखाऊंगा, इंग्लिश का भी बना के दिखाऊंगा, और ये तो हिंदू कार्ड है वो मुस्लिम कार्ड का भी बना के दिखाऊंगा मैं। तो इस तरीके से ये सारी डिजाइनिंग की जाती है। और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत आप फटाफट कर लीजिए प्लीज, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन लगेगा, दिल लगेगा काम करने में, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मेरे चैनल पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।